आज हम सबके लिए नितांत दुखद घटना और निश्चित रूप से पूरा देश स्तब्ध है जेटली जी के ना रहने के समाचार सुन के। एक ऐसा राजनेता जो न केवल राजनेता के रूप में बल्कि एक कुशल अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। राजनीतिक जीवन की शुरुआत विद्यार्थी परिषद से करते हुए, भारतीय जनता युवा मोर्चा में राजनीति करते हुए, फिर भारतीय जनसंघ की इस पूरी यात्रा में लगातार सक्रिय रहे और आज राष्ट्रीय स्तर में उन्होंने जो अपनी मेहनत के बदौलत एक स्थान बनाया पार्टी के अंदर, वो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो शून्यता, वो खालीपन कोई भर नहीं सकता। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लगातार उन्होंने अपनी क्षमता को बताया है। पार्टी के जब भी कोई दिक्कत हो या संकट हो, संकट मोचन के रूप में अरुण जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ साथ मुझे बहुत लंबा समय उनके साथ काम करने का अवसर मिला और पिछले 30-35 साल से लगातार एक बड़े भाई की हैसियत से, एक मार्गदर्शक की हैसियत से जब हमको दिक्कत होती थी, अरुण जी का चेहरा याद हमको आता था और उन्हीं के पास जाते रहे और उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। और आज यदि छत्तीसगढ़ के निर्माण में हम मजबूत वित्तीय स्थिति में हैं, तो एक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से छत्तीसगढ़ को जो उन्होंने मदद किया, छत्तीसगढ़ को खड़ा करने में जो उनका योगदान था, निश्चित रूप से योगदान था। GST के मसले को लेकर जितनी तकनीकी दिक्कत थी, कितने राजनीतिक दल थे, कितने अलग अलग विचार थे, सबको एक साथ बैठा कर न जाने 60-70 अलग अलग बैठकों में इसका एक साथ निर्णय लेने की क्षमता, ये सामंजस्य बताता है कि सभी राजनीतिक दल के लोग उनका सम्मान करते थे, उनके विचार का आदर करते थे और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मामले का भी निराकरण माननीय अरुण जी के पास था और उनकी ही क्षमता थी कि आम सहमति बना के इस GST का निराकरण करने में उनको सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे पेचीदगी मामले थे जिसका निराकरण अरुण जी के द्वारा होता। आज निश्चित रूप से उन्होंने माननीय राष्ट्रीय हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किया लगातार लंबे समय तक और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ लगातार हर मोर्चे में, हर मुकाबले में उनके साथ खड़े रहे और आज उनके हमारे बीच चला जाना निश्चित रूप से एक शून्यता होगी। और मैं अपनी ओर से उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ऐसा तो उनका परिवार पूरा भारतीय जनता पार्टी था, एक एक कार्यकर्ता उनको जुड़ा हुआ महसूस करता था। हम जैसे लोग ऐसा लगता था कि हमारे बहुत नज़दीक हैं, ऐसे ना जाने लाखों कार्यकर्ताओं को लगता था कि बहुत नज़दीक आदमी हैं और ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत क्षति हुई है, एक अपना अपने बीच से चला गया है, अपने बीच एक बड़े भाई की भूमिका रखने वाला राजनीति में मार्गदर्शक नहीं रहा। निश्चित रूप से हम सब शोकाकुल हैं और अपनी माननीय जेटली जी के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त।